الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيد الأولين والآخرين إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صلوات الله एक मरतबा और बलंतर सलावत पढ़ें दरादराने इस्लामी और ईमानी हमारी और आपकी ये सआदत मंदी है कि हमारी बुनियादी किताब कुरान है। कुरान मजीद वो अजीम नेमत इलाहिया है जिसके मुतालिक रहबर इंकलाब इस्लामी इमाम इंकलाब इस्लामी हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद रूहुल्लाह खुमैनी रिज़वानुल्लाह तआला अलैह ने एक जुमला फरमाया था और वो जुमला मैं मुतअद्दिद तकरीरों में नक़ल कर चुका हूँ। उन्होंने फरमाया था कि ये इतनी बड़ी नेमत है कि अगर हम अपनी तमाम उम्र इस नेमत के हुसूल पर सजदे शुक्र में गुजार दें तब भी हक़ शुक्र अदा नहीं है। ये है कुरान। कुरान मजीद का उसलूब खिताब और कुरान मजीद के मजामीन और कुरान मजीद का मौजू कुरान मजीद के अल्फाज कुरान मजीद की तशबीहें कुरान मजीद के इस्तेआरे ये तमाम चीज़ें कुरान मजीद का की एक एक हरकत उसका एक एक सुकून हमारी पूरी तवज्जो चाहता है। मेरा ख्याल है कि मैं चंद मिनट तवक्कुफ कर लूँ और मुंतजमीन उन सामईन को बिठा दें आराम से। बशीर खान साहब बशीर खान सलाम को कुछ ये कोई
बैठने आप आगे आने की कोशिश कर रही हैं, आगे जगह नहीं है, वहीं बैठ गए आप। देखिए अगर हजरात खामोश हो जाएं तो मैं गुफ्तगू शुरू करूंगा। छोड़ दे, छोड़ हकीमाना लिहाज से, फलसफियाना नुक्ते नज़र से, इल्म कलाम की रोशनी में और दूसरे दीनियाती नुकाते नज़र से कुरान मजीद के मौजज़ा होने पर गुफ्तगुएं अहले इल्म कर सकते हैं, लेकिन आम मोमिन, आम मुसलमान कम से कम कुरान मजीद की तिलावत करके उसकी एजाज, उसके एजाज को महसूस कर सकते। जितने हजरात सुन रहे हैं, खवातीन सुन रही हैं, बूढ़े बुजुर्ग जवान बच्चे, आप सब कुरान मजीद के एजाज का तजर्बा कर सकते हैं। कभी इस तरह से सोचा है आपने? उलमा कहते हैं कि मौजज़ा है, आपने मान लिया मौजज़ा है। उलमा कहते हैं कुरान मजीद जिंदा मौजज़ा है। जिंदा मौजज़ा होने के क्या मानी है? जिंदा मौजज़ा होने के मानी सिर्फ ये नहीं है कि वो एक बाकी मौजज़ा है। जिंदा मौजज़ा होने के मानी ये है कि वो सांस लेता हुआ मौजज़ा है। जिंदा मौजज़ा होने के मानी ये हैं कि वो मुर्दों में जान डाल देने की कुदरत रखता है। कुरान मौजज़ा है, इसके मौजज़ा होने का तजर्बा करें। आज यही एक सबक अगर लेके चले गए हमारे सामेईन कि कुरान मजीद ऐसा मौजज़ा है जिसके मौजज़ा होने का आप तजर्बा कर सकते हैं। देखिए, आप तजर्बा कर सकते हैं मौजज़े होने का। यह है करम इलाही, यह है फैजान मकाम खत्म नबूवत। और आज भी कुरान
तजर्बा करें तो आपको मालूम है कितने नतीजे मुरतब होंगे। हर नबी का मुअज्जज़ा उसी वक्त तक मुअज्जज़ा रहता है जब तक वो नबी जिंदा रहे। कुरान मजीद आज भी मुअज्जज़ा है, इसके मानी यही है कि कुरान मजीद लाने वाला नबी आज भी जिंदा है। बहुत सामने की मिसाल है। और ये भी याद रहे कि मुअज्जज़ा उसी के हाथ में मुअज्जज़ा रहता है जिसके हाथ में अल्लाह ने वो मुअज्जज़ा दिया हो। अगर वो चीज वही शय बेऐन ही बेनफ्स ही बेजिन्स ही वही शय कोई दूसरा ले ले तो क्या शान एजाज फिर भी बाकी रहेंगे? आसाए मूसा मुअज्जज़ा था मगर दस्त मूसा में अगर दस्त हजरत मूसा से वही आसा फिरौन छीन लेता और ये चाहता कि वो भी उससे मुअज्जज़ा दिखाए तो क्या दस्त फिरौन में जाने के बाद भी आसाए मूसा मुअज्जज़ा रहता? नहीं रह सकता था, नहीं रह सकता था। इसलिए कि आसा वही है, शय वही है मगर उसे अल्लाह ने मुअज्जज़ा बनाया है मूसा के लिए, फिरौन के लिए नहीं। अगर फिरौन के हाथ में चला जाए तो उसके मुअज्जज़ा होने की शान खत्म हो जाएगी। तवज्जो रहे, तवज्जो रहे, कुरान मजीद मुअज्जज़ा है, इसके मुअज्जज़ा होने का तजर्बा आज भी किया जा सकता है मगर मुस्तफ़ा का वफादार होकर। अगर आज बहुत से अफराद कुरान मजीद की शान एजाज को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, तो उन्हें अपने उस रिश्ते पर नजर सानी करनी होगी जो रिश्ता उन्होंने खतीब कुरान मोहम्मद अरबी से कायम किया है। सलावत पढ़ते मोहम्मद। हुजूर जिंदा हैं, हुजूर मौजूद हैं और हुजूर के सिलसिले से एक नफ से पैगंबर आज भी जिंदा है, एक नूर चश्मे पैगंबर आज भी जिंदा है, आज भी एक जुज़्वे वजूद मुबारक पैगंबर जिंदा है, खुद पैगंबर जिंदा है। और पैगंबर का एक जुज़्वे वजूद, ये जुज़्वे वजूद जो मैं कह रहा हूँ वो यूं ही नहीं अर्ज कर रहा हूँ, आखिर जनाबे ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हदीस नबवी है, सहीह सनद है, मुतवातिर है, तवातुर के साथ मुहद्दिसीन ने नकल किया है, किसी ने आज तक इस हदीस में कोई शुबहा वारिद नहीं किया। किताब सहीह बुखारी में भी मौजूद है। हुजूर ने फरमाया फातिमा तो बुआतुम मिन्नी, फातिमा मेरा जुज़ है, फातिमा मेरा टुकड़ा है। और उस फातिमा की दुर्रियत से एक मोहम्मद आज भी जिंदा है, वो जिंदा है जिसकी जिंदगी की खबर खुद आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
एक जिंदा मौजज़ा है। और जो भी अहदे वफा मुस्तहकम कर ले, जो भी अहदे वफा मुस्तहकम कर ले, वो उसकी शान एजाज देख सकता है, महसूस कर सकता है। लेकिन हर मुद्दई इश्क मुस्तफा अपने दावे में सच्चा नहीं होता। मुश्किल ये, मुश्किल सबसे बड़ी ये। इसलिए एक जुमला तो ये याद रह जाए आपको कि कुरान मजीद मौजज़ा है, और इसके मौजज़ा होने की का तजर्बा आप खुद कर सकते हैं। मगर मशरूत है ये बात इससे कि आपका अहद वफा ज़ात पैगंबर से दुरुस्त हो, मुस्तहकम। फिर देखिए कुरान मजीद तिलावत करके देखिए, तिलावत, सिर्फ तिलावत। कुरान मजीद गुफ्तगु करता है अपने तिलावत करने वालों से। आपको अरबी नहीं आती, कोई बात नहीं है, आदाब तिलावत के साथ बावजू होकर, इश्क मुस्तफा दिल में रखकर, खौफ खुदा दिल में रखकर आप तिलावत करें और देखें कुरान मजीद के मानी आप पर खुलते हैं कि नहीं खुलते। इल्म की हकीकत क्या है? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया के अल इल्म नूर यक्ज़िफ़ुहु अल्लाह फी क़ल्बि मन यशा। इल्म तो एक नूर है, अल्लाह जिसके दिल में चाहता है क्या तवज्जो है। इल्म एक नूर है, अल्लाह जिसके दिल में चाहता है डाल देता है। अल्लाह जब दिल में नूर डालना चाहे तो वो आलिम है, अलीम है, कादिर है, कदीर है, जिस तरह चाहे डाल सकता है। ये जरूरी नहीं है कि कोई किताब पढ़े तभी आलिम हो, ये जरूरी नहीं है कि कोई कलम उठाकर कुछ लिखे तभी आलिम हो। ये जुमले मैं आपके लिए अर्ज कर रहा हूँ, आपके लिए अर्ज कर रहा हूँ। यहाँ बहुत से बज़्म में उलमा हैं, स्कॉलर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, ओदबा हैं, शुआरा हैं, हर्फ शनास लोग हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो हर्फ शनास भी ना होंगे। बहुत से ऐसे मजदूर होंगे जिन्होंने कभी लिखा नहीं होगा, कभी पढ़ा नहीं होगा। हमारी माएँ बहनें हैं, हो सकता है इन्हें बाकायदा इल्म हासिल करने का मौका ना मिला हो, तालीम हासिल करने का मौका ना मिला हो। उनके लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ, मायूस होने की ज़रूरत उनको भी नहीं है। किताब और कलम के वसीले से जो इल्म मिलता है वो मामूली इल्म होता है, जब अल्लाह दिल में नूर इल्म डालता है तो गैर मामूली इल्म होता है। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। मायूस होने की जरूरत नहीं है, लौ लगाने की जरूरत है। मायूसी कुफ्र है। नहीं मौका मिला इल्म हासिल करने का इब्तिदाई उम्र में, अब हासिल कर लीजिए। नमाज वाजिब है, नमाज में जितना कुरान मजीद का पढ़ना वाजिब है उतना कुरान किसी भी कुरान जानने वाले से सीख लीजिए। इब्तिदा यहाँ से कीजिए, जो भी उम्र हो आपकी, जितनी भी उम्र हो चुकी हो, मायूस होने की जरूरत नहीं है। उम्र का एक दिन भी अगर बाकी है तो नमाज तो वाजिब है,
उस नमाज को अदा करने के लिए एहसास वाजिब के साथ, इस एहसास के साथ के मालिक ने, आका ने, मौलाए हकीकी ने एक चीज मांगी है हमसे, है कि हम वो ना दे सके, ये कसक होती है नहीं। मैं आपका मेहमान हूँ, अगर मैं दो दिन का मेहमान हूँ, कोई चीज आपसे तलब करूँ तो आप चाहेंगे कि दे दें, और नहीं दे सकेंगे तो कसक रहेगी जाते तक, जब तक देखेंगे अभी जाने वाले होंगे, एक मिनट बाकी होगा, हो सकता है अभी गाड़ी में ना बैठे हों, हो सकता है अभी गाड़ी रवाना ना हुई हो, चलो हम पहुंचा दें, है ना, ये जज्बा होता है, कसक होती है दिल में, एक खलिश रहती है। अगर मोहब्बत हो तो, अगर इश्क की दौलत बेदार है तो, अगर मारिफत है तो, अगर वफा है तो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुआशरा बावफा मुआशरा है। आप मोहब्बत खुदा रखते हैं, मोहब्बत रसूल रखते हैं, मोहब्बत अहले बैत रसूल रखते हैं, आप वाकिफ हैं कि मोहब्बत आप पर वाजिब करार दी गई है। जिस तरह नमाज वाजिब है, रोज़ा वाजिब है, हज वाजिब है, ज़कात वाजिब है, खुम्स वाजिब है, जिहाद वाजिब है, अमर बिल मारूफ वाजिब है, नहीं अनिल मुनकर वाजिब है, उसी तरीके से मोहब्बत वाजिब करार दी गई है आप पर। और वो सबसे बड़ा वाजिब जो आप पर करार दिया गया है वो मोहब्बत ही है। जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर, मोहब्बत सबसे बड़ा वाजिब है। कुरान मजीद के इस्तेदलाल के साथ गुजारिश करूंगा आपसे, मोहब्बत सबसे बड़ा वाजिब, ये बात आ गई है जबान पर, अभी गुफ्तगू तमहीद में है, जो आयत मैंने पढ़ी है उसका तर्जमा नहीं किया है, अभी गुफ्तगू उस मंजिल में है कि कम से कम आपकी तवज्जो तो हासिल हो जाए। कुरान मजीद में एक आयत है जो हर मुसलमान को याद होनी चाहिए, अब आयत है सूरह मुबारक शूरा में, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى। ऐ रसूल कह दीजिए कि हम तुमसे कोई अजर नहीं चाहते, इसके बाद जो आयत का तर्जुमा किया जाता है वो तर्जुमा हक तर्जुमा अदा नहीं करता, इसलिए मैं खामोश हो गया। इस आयत का जो तर्जमा किया जाता है आम तौर पर, जितने ट्रांसलेशन जितने तर्जमे आपको मिलेंगे उसमें इस तरह लिखा होगा कि रसूल कह दीजिए कि मैं कोई अजर नहीं चाहता हूँ सिवाय इसके कि तुम मेरे बराबर दारों से मोहब्बत और मवद्दत रखो। तर्जमा ये किया जाता है। इस तर्जमे में मैंने अर्ज किया कि हक के तर्जमा अदा नहीं होता हरगिज़, तर्जमा इसलिए किया जाता है ये कि उसमें इल्ला है, इल्ला अरबी ग्रामर में हर्फ इस्तिथना कहलाता है, एक्सेप्शन के लिए, लेकिन बस इशारा करके आगे बढ़ना क्योंकि मजमा पूरा है, लेफन का मजमा नहीं है कि अरबी ग्रामर की बहसें पेश की जाए, नहव सर्फ की बहसें पेश की जाए, अगर ये मेरे लिए इंतहाई मसरत की बात है कि ये गुफ्तगु बहरहाल एक मदरसे इल्मिया में हो रही है, परवरदिगार आलम इस मदरसे को हमेशा मामूर और पुरनूर रखे, और इस दयार के लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफादा करें, इस मदरसे के बानियान की रूहें शाद हों, और जो लोग भी इससे वाबस्ता हैं उनकी तौफीकात में इजाफा हो। मदरसे इल्मिया में गुफ्तगू हो रही है, इसे इल्मी निकाल की तरफ इशारा तो किया जा सकता है मगर जाहिर है उसकी तफसील का मौका नहीं है। इल्ला हर्फ इस्तिस्ना तो है
मगर ज़बाने अरब का लहजा शनास ये भी जानता है कि लफ्ज़ इल्ला कलिमा इल्ला सिर्फ इस्तेस्ना ही के लिए नहीं आता, इस्तेनाफ के लिए भी आता है। इस्तेनाफ के मानी है कि एक जुमला खत्म हो गया दूसरा जुमला शुरू हो रहा है। इस्तेनाफ के मानी यह है कि इससे पहले जो जुमला था वो खत्म हो गया, इससे एक नया जुमला शुरू हो रहा है। अगर इसको इस्तेनाफ के माना में ले और इसके अलावा चारा नहीं है तो फिर मालूम है तर्जमा क्या होगा। इस तर्जमे को जो मैं अभी गुजारिश करना चाह रहा हूँ समझने के लिए पहले एक मिसाल दे दूँ। किसी बुजुर्ग का तसव्वुर कीजिए और उस बुजुर्ग के सामने उसके खुर्द वो सब आ जाएं कुछ हदिया लेकर, उस बुजुर्ग के सामने जिसने हमेशा अता किया हो, जिसने पाल पोस कर बड़ा किया हो, जिसने परवान चढ़ाया हो, हमेशा जिससे कुछ लेते रहे हो, उसके सामने कुछ देने के लिए आ जाए तो उस बुजुर्ग का अंदाज क्या होता है? मुस्कुराता है। जो कुछ वो लेकर आए हैं वो भी उन्हें वापस करता है और उनको उनके लाए हुए हदियों से बढ़कर कुछ और नया हदिया देता है दुआओं के साथ। बेटा खुश रहो, फलो फूलो, खूब बरकतें हो, ये भी ले जाओ और ये और ले जाओ। पैगंबर और उम्मत का रिश्ता यही है। पैगंबर खैर दुनिया व आखिरत लेकर आए इंसानों के लिए, दुनिया की नेमतें भी आखिरत की भी नेमतें भी, मादी नेमतें भी रूहानी और मानवी नेमतें भी। पैगंबर ने नमाज सिखाई, रोजा सिखाया, हज जिहाद का हुक्म दिया, खुमुस व ज़कात का हुक्म दिया, तमाम फराइज़ उसूल व फुरू के साथ इंसान को उसके खुदा से आशना किया। इंसान ने यह चाहा कि अपने पैगंबर को कुछ हदिया देकर अज्र अदा करे। पैगंबर उसूली तौर पर उम्मत से अज्र ले ही नहीं सकते थे, इसलिए अज्र नहीं ले सकते थे, किसी भी शक्ल में कोई भी अज्र नहीं ले सकते थे, इसलिए नहीं ले सकते थे कि रसूल थे किसके रसूल, अल्लाह ने रसूल बनाया था या उम्मत ने इलेक्शन करके रसूल बनाया था। अल्लाह ने रसूल बनाया था, अल्लाह ने जब रसूल बनाया था तो जो जिसकी तरफ से आता है, जिसका काम करता है उससे मजदूरी लेता है। पैगंबर रिसालत का फरीजा अंजाम दे रहे थे खुदा की तरफ से, जो कुछ अज्र मिलना था हुजूर को खुदा से मिलना था, उम्मत से कोई अज्र ले ही नहीं सकते थे, मुमकिन नहीं था, किसी भी शक्ल में कोई भी अज्र नहीं ले सकते थे। आप इससे पहले दूसरे अंबिया के मुताल्लिक भी कुरान मजीद में जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किसी नबी ने किसी उम्मत से अज्र नहीं लिया और ऐलान करते रहे कि हम तुमसे कोई अज्र नहीं ले सकते, हमारा अज्र तो अल्लाह पर है। कुरान मजीद में मौजूद है, आप देख लीजिए, हमारा अज्र तो खुदा पर है, हमारा अज्र देने वाला तो वो है, हम तो उसके हैं। तो ये खातिमुन नबीयीन मकाम खत्म नबूवत पर फायज होने के बावजूद, सबसे अफजल नबी, सबसे अफजल रसूल होने के बावजूद उम्मत से किसी भी शक्ल में कोई अजर कैसे ले सकते थे? मजदूरी नहीं ले सकते थे। एक हल्की सी मिसाल दे दूं ताकि आपकी तबीयतों में जरा सा एक दूसरा ज़ौक भी बेदार हो जाए। पाकिस्तान का एम्बेसडर जो हिंदुस्तान में हो
वो तनख्वाह पाकिस्तान से लेगा या हिंदुस्तान से? और अगर हिंदुस्तान वाले उसे तनख्वाह देने लगे तो हश्र क्या होगा? क्या हश्र होगा? पाकिस्तान की निगाह में उसकी क्या कद्र कीमत रह जाएगी? मुझे यकीन है कि वाजिबुल कत्ल करार दे दिया जाएगा। आपके मुल्क का कानून, किसी भी मुल्क का कानून, वो कहेगा कि मुल्क से गद्दारी है और मुल्क से गद्दारी की सजा कत्ल। जिसका एम्बेसडर होगा उसी से अजर लेगा। रसूल अल्लाह की तरफ से आए हैं, अल्लाह से अजर लेंगे, किसी भी शक्ल में उम्मत से अजर नहीं ले सकते। इसलिए जब उम्मत उन्हें अजर देने के लिए आई तो आपने कहा कि कुल ना सलुकुम अलैहि अजरन, हमें तुमसे कोई अजर नहीं चाहिए। और जहां तक वाजिबात और फराइज की बात है, अब तक तो हमने नमाज और रोजा और हज और ज़कात और खुम्स और जिहाद तुमको बताया। सबसे बड़ी, सबसे बड़ा वाजिब, सबसे बड़ा नुस्खे कीमिया जो तुम्हारी नजात और फलाह का जामिन है, वो तो अभी बताया ही नहीं है। वो अब ले जाओ, वो मेरे अहले बैत की मोहब्बत है। और फरमा रहे हैं वो हमारे अहले बैत की मोहब्बत है। ये एक मुस्तकिल वाजिब है जो अल्लाह ने वाजिब करार दिया है। मुस्तकिल तौर पर वाजिब है और ऐसा वाजिब है जो बाकी तमाम वाजिबात की कबूलियत की शर्त बन गया। ये बहुत वाज़े और रोशन बात है, क्योंकि मैंने आयत दूसरी तिलावत की थी, इस आयत में गुफ्तगू मकसूद नहीं थी, इसलिए मैंने ये थोड़ी सी बात आपके सामने अर्ज कर दी। जो आयत मैंने तिलावत की है आज, वो बहुत तफक्कुर चाहती है, बहुत हकीमाना और फलसफियाना तफक्कुर चाहती है। और इस मजमे में फलसफी बहस छेड़ना शायद कुछ लोग समझें कि दानिशमंदी की बात नहीं है, मगर मैं ये समझता हूँ कि जो भी फजाए मजलिस में परवान चढ़ा है, उसकी जहानत काबिले रश्क होती है। अब तक का मेरा तजर्बा यह है कि बहुत से वो दकीक मसाइल जो यूनिवर्सिटी की मास्टर्स की क्लासों में, बैचलर्स की क्लासों में और जो हौज़ाए इल्मिया में, सुतूह आलिया की क्लासों में घंटों, दिनों, महीनों ज़ेर बहस आते हैं, ऐसे दकीक मसाइल, वो मसाइल मेंबर से मैंने गुजारिश किए हैं और लम्हात में आप लोग समझ जाते हैं। वो मेरे बयान करने का हुनर नहीं आए, वो इस फजा की तासीर है। जिस फजा में इतने वसाइल इल्म मौजूद हैं और उनकी निशानियां मौजूद हैं, मेंबर, आलम, फर्श अज़ा, निस्बत मुस्तफ़ा, विलाय अहले बैत मुस्तफ़ा, जहाँ इतनी चीज़ें जमा हो जाएं, वहाँ कोई इल्मी मुश्किल मुश्किल कैसे रह सकती। कोई इल्मी मुश्किल मुश्किल नहीं रहती, चाहे आपने फलसफा पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। अब आप देखिए मैं जो अर्ज कर रहा हूँ, अभी तजर्बा हो जाएगा। मैंने जो कुरान मजीद की आयत आपके सामने पढ़ी वो सूरह मुबारक कसस की आखिरी आयत है। सूरह कुरान मजीद का
गालिबन 28वां सूरा है और अजीब व गरीब सूरा है। वैसे तो कुरान मजीद का हर सूरा अपनी जगह अजीब व गरीब है, मगर यहाँ पर एक बात और तमहीदन अर्ज कर दूँ कि कुरान मजीद अज अव्वल ता आखिर एक ऐसी किताब है जिसके मानवी अबआद व जिहाद बहुत ज़्यादा है, जिसके मानी के डायमेंशंस बहुत ज़्यादा है। एक नुक्ता नज़र से देखिए तो ये कुरान अज अव्वल ता आखिर किताब तौहीद है। और ये जुमला महफूज रखिएगा, मैंने बहुत बार मेंबर से कहा है और आखिरी हयात तक जब तक मैं जिंदा हूँ ये कहता रहूँगा, कुरान मजीद का बुनियादी मौजू तौहीद है। इसी एक असल व असास तौहीद पर, इसी एक बुनियाद तौहीद पर, इसी एक फाउंडेशन पर हयात और कायनात के जितने मसाइल हैं सब कुरान ने हल किए हैं, चाहे वो इनफरादी और फर्दी मसाइल हों, एक इंसान के तनहा मसाइल हों, घर के मसाइल हों, मुआशरे के मसाइल हों, सियासत के मसाइल हों, इक्तिसाद के मसाइल हों, तरबियती औलाद के मसाइल हों, हर मसाले को कुरान मजीद ने तौहीद से जोड़कर बयान किया है। ख्याल रहे हर मसाले को कुरान मजीद ने तौहीद से जोड़कर बयान किया है। लेकिन कुरान मजीद ऐसी सनअत में नाजिल हुआ है कि एक नजर डालिए अस अव्वल ता आखिर तो मालूम होता है कि कुरान मजीद हमद इलाही की किताब है। और फिर जरा और गौर कीजिए तो मालूम होता है हर हमद खुदा के नीचे नहज मुस्तफा छुपी हुई है। जरा और नजर दकीक हो जाए तो मालूम होता है हर हमद व नात के साथ मनकबतें भी हैं। और इसीलिए मैं अर्ज किया करता हूं कि कुरान मजीद अज अव्वल ता आखिर कसीदा आले मोहम्मद है, बिस्मिल्लाह से लेकर वन्नास तक कुरान कसीदा आले मोहम्मद है। ये दीवाने मशीयत, ये दीवाने मशीयत मजमूए हम्द व नात व मनकबत है। अलबत्ता ये इस्तेआरा कोई बहुत खुश ज़ौकी का सबूत देकर ये न कहे कि मैं कुरान मजीद को कलाम मंजूम साबित कर रहा हूँ, मगर ये हकीकत है। कैसा ही मजमून हो, कोई भी मसला हो, वो मसला हल हुआ है उसूल तौहीद पर, वो मसला हल हुआ है नबूवत पैगंबर की रोशनी में, वो मसला हल हुआ है सिफात आले मोहम्मद की रोशनी में। तवज्जो रहे, हल मुश्किलात का रास्ता यही है। अब जिस मसले की तरफ ला रहा हूँ आपको, इतना बड़ा मजमा आया है सुनने के लिए, तो आपको एक अहम मसले की तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूँ और वो मसला है खुद आपकी जिंदगी। बात वो होनी चाहिए ना जिससे आपकी जिंदगी जुड़ी हुई हो, जिससे आपको फायदा पहुंचे, जिससे आपका हाल दुरुस्त हो, जिससे आपका मुस्तकबिल रोशन हो। कुरान मजीद किस लिए आया, इस्लाम किस लिए आया, शरीयत किस लिए आई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम किस लिए तशरीफ लाए, इमामों ने किस लिए कुर्बानियां दी। मैं दस्ते अदब जोड़ के अर्ज कर रहा हूँ मेरे मासूम सामीन,
अल्लाह को कोई गरज नहीं है कि वो आपसे आपकी जबान से अपनी हम्द सुने। कोई गरज नहीं। आप अगर कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं तो इससे खुदा को क्या फायदा पहुंचता है? आप जितनी इबादतें करते हैं खुदा वंदे आलम को क्या फायदा पहुंचता है? क्या नऊज बिल्ला वो नाकिस है जो आपकी इबादतों से कमाल तक पहुंचता है? क्या वो नादार है जो आपकी ज़कात और खैरात से गनी हो जाता है? नऊज बिल्ला। और क्या वो नाकिस इंसानों की तरह खुशामद पसंद है? हम जाहिल हैं जब हमें कोई आलिम कहता है तो खुश हो जाते हैं। हम बेकिरदार हैं जब कोई हमें बाअमल कहता है तो खुश हो जाते हैं। ये हमारी कमजोरी है। तारीफ़ो तौसीफ़ो मदहो सनाओ सताइश से खुश होना इंसान की कमजोरी है। क्या खुदा आपसे अपनी हम्द और सना सुनना चाहता है? वो गनी अला इतलाक है। गनी 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 अला इतलाक। किसी किस्म की नियाजमंदी का शायबा भी नहीं पाया जा सकता ज़ाते समदी में। वो समद है। हम आप तौहीद हक समदी तक पहुंचने के लिए पैदा हुए हैं। इसे समझे। वो गनी अला इतलाक ना वो हमारा मोहताज, ना हमारे किसी माल का मोहताज, ना हमारे किसी अमल का मोहताज, ना हमारे किसी सिफत का मोहताज। हमारे पास जो कुछ है वो उनमें से किसी शय का मोहताज नहीं, और उसके पास जो कुछ है वो सब देने के लिए आमादा रहता है। ये है उसकी गना की शान। ये ना गनी किसे कहते हैं? गनी किसे कहते हैं? जिसके पास सरमाया हो, दौलत हो, उसको परखा कैसे जाए? सरमाए से नहीं परखा जाता इंसान कि गनी है या नहीं। इंसान के दिल से परखा जाता है कि गनी है कि नहीं। इंसान गनी है, अगर दिल का गनी है तो गनी है। गनी वो कहलाता है जो दूसरे के पास जो कुछ हो उसका मोहताज ना हो, कभी हिर्स की नजर ना उठाए, कभी दूसरे के माल की तरफ, दूसरे की किसी शय की तरफ नियाजमंदाना नजर ना करे, वो गनी है। जो कुछ उसके पास हो उसको देने में कभी बुखल ना करे, वो गनी है। अल्लाह सुभानहू व तआला की शान यही है, जो कुछ मखलूकात के पास है वो उनसे कुछ नहीं चाहता, जो कुछ उसके पास है वो हमेशा देना चाहता है। ये है खुदा। और जब ये है तो फिर वो आपसे हम्द और सताइश भी सुनना नहीं चाहता। जैसा जो होता है वैसा ही अपना नुमाइंदा बनाता है। जैसा वो गनी है वैसा ही उसका रसूल गनी है। रसूल भी मोहताज नहीं है कि आप उन्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह करें। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। समझें, मारिफत का पैमाना हमारा क्या है, हम खुदा को क्या समझते हैं। पैगंबर ने
जितनी जंगें की सब ला इलाहा इल्लल्लाह की खातिर थी। एक जंग भी मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नहीं हुई, एक मौका आ गया था जंग हो जाती मगर उसे सुलह हुदैबिया से बदल दिया। पूरी जिंदगी में एक मौका था जब इस पर जंग हो सकती थी मोहम्मद रसूलुल्लाह पर, बड़ा नाजुक मौका था, इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखने वाला कौन था? अली ने लिखा था। और जब रसूल ने कहा कि मिटा दो तो अली ने कहा मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह लिख कर मिटा नहीं सकता। नाजुक मौका था जब अली दरमियान में हो और बात मोहम्मद रसूलुल्लाह की हो, इसलिए रसूल ने खुद मुदाखलत फरमाई, कहा नहीं लाओ मैं खुद मिटा दूंगा, जंग नहीं होने दूंगा। तवज्जो है, इसके मानी क्या है? जिस तरह अल्लाह आपसे कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का मोहताज नहीं है, उसका रसूल अपने लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह का मोहताज नहीं है। तवज्जो है, यही सिलसिला आगे बढ़ाइए, जैसा जो होता है वैसा ही अपना नायब बनाता है। जैसा खुदा वैसा रसूल, जैसा रसूल वैसा ही इमाम। आपके इमाम इसके मोहताज नहीं है कि आप उनका कलिमा पढ़ो, मोहताज नहीं है। तवज्जो है, मोहताज नहीं है, मगर ये सब इसलिए है, वाजिब इसलिए करार दिया कि उसमें हमारी निजात है, हमारी फलाह है, हमारी फलाही है, हमारी तरक्की है, हमारा इर्तिका है, हमारे लिए साजो सामान बका है। ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे तो हमें फायदा होगा, क्योंकि हमारा फायदा था इसलिए वाजिब करार दिया। मुहम्मद रसूलुल्लाह कहेंगे तो हमारा फायदा होगा इसलिए वाजिब करार दिया गया। अली वलीउल्लाह कहेंगे तो हमारी नजात है। इसलिए लाजमी करार दिया गया। वो मोहताज नहीं है, इस नुक्ते को समझेंगे, वो ना कलमे के मोहताज, ना नमाज का मोहताज है खुदा, ना रोजे का मोहताज। ये सब इसलिए कि हम अपनी जिंदगी, ये जो हमें हिस्से वजूद मिला है, ये जो हमें हिस्सा मिला है, ये जाया ना हो जाए। हम हलाक ना हो जाए, हम बर्बाद ना हो जाए, हैं बस। तो अब आप समझे कि आज जो गुफ्तगु मैं करना चाहता हूँ, आज तो बस उनवान ही शायद जिक्र कर सकूँगा, कल किसी हद तक मुकम्मल हो सकेगी गुफ्तगु। वो गुफ्तगु ये है कि हम और आप इस खाक नाए दहर में, इस दुनिया में, इस ज़मीन पर, इस आसमान के नीचे, इस फ़ज़ा में जो सांस ले रहे हैं, तो आखिर हम किस तरह ज़िंदगी बसर करें कि हलाकत से बच जाए। इतनी सी बात है, आप बताइए हर दिल की धड़कन है कि नहीं? ये सवाल आप में से हर एक के दिल से, दिल को लगता है या नहीं लगता? हर एक को अपनी बका की फिक्र है या नहीं? हर एक को अपनी नश्वो नमा की फिक्र है कि नहीं? हर एक को अपने लिए इर्तिका की राह तलाश करनी है या नहीं? हर शख्स चाहता है हम तरक्की करें और बाकी रहें और आफियत से रहें। लफ्ज आफियत याद रखिए, आफियत। एक बड़ा इंटेलेक्चुअल है वो भी अपने लिए आफियत का मुतलाशी,
और एक खेत का मजदूर वो भी आफियत का मतलाशी। एक सदर मुमलिकत है वो भी आफियत का मुतलाशी। एक मामूली मुलाजिम है वो भी आफियत का मुतलाशी। ये एक चीज ऐसी है आफियत जिसकी हर शख्स को बराबर से जरूरत है। आफियत दारैन, जो लोग दारैन का तसव्वुर नहीं रखते कम से कम इस दारे दुनिया की आफियत तो चाहते ही हैं। भाई हमारे लिए दो दुनियाएं हैं, एक दुनिया हाजिर एक दुनिया आखिरत। हम दोनों दुनिया की आफियत चाहते हैं। जो आखिरत के कायल नहीं है वो कम से कम इस दुनिया की आफियत तो चाहते हैं। तवज्जो है, ये आफियत इतना बड़ा मसला है कि जिस मसले की तरफ पूरी तवज्जो देने की जरूरत है। और अर्ज करूं, ये जो मैं अर्ज कर रहा हूं कि आफियत सबसे बड़ा मसला है, इसकी ताईद में अर्ज करूं, कोई इल्मी मसला ऐसा नहीं है कि जिसे छेड़िए तो फजाइल के बाब ना खुले। अब मैं नजर दौड़ाता हूं, ये तो मैंने तज्जिया किया ना, पूरी दुनिया में हर शख्स हर फर्द जो चाहता है वो क्या चाहता है? आफियत। एक मालदार दौलतमंद सर्वतमंद वो भी आफियत चाहता है, एक फकीर वो भी आफियत चाहता है, आलिम वो भी आफियत चाहता है, जाहिल वो भी आफियत चाहता है। आफियत एक वो शय है जिसकी हर शख्स को जरूरत है। ये मेरा तज़िया है। ताईद पर नजर डालता हूं तो कुरान मजीद में एक ऐसी आयत मिलती है कि उस आयत का तर्जमा करने से पहले हर मुफसिर ये लिखता है कि ये वो आयत है कि इसमें जो हुक्म दिया गया वो कुरान मजीद का ऐसा हुक्म है जो सिवाय एक शख्सियत के उस पर किसी दूसरे ने अमल ही नहीं किया। सिर्फ एक आयत नाजिल हुई हुक्म लेकर अमल करने वाली जात सिर्फ एक थी, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। हजरत ने अमल किया और उसके बाद किसी ने अमल नहीं किया, फिर वो आयत मंसूख हो गई, वो हुक्म मंसूख हो गया। वो है आया नजवा। परवरदिगार आलम ने कहा कि ऐ रसूल आप कह दीजिए जो लोग आपसे आकर गुफ्तगू करना चाहें वो पहले सदका दें फिर गुफ्तगू करें। इश्क का दम भरना आसान है, आशिक तो माशूक की बात सुनने के लिए तड़पता है ना, और अगर सिर्फ इतनी सी बात हो कि जरा सा सदका दे दो और गुफ्तगू कर लो। तो क्या रिएक्शन होना चाहिए, क्या रिएक्शन होना चाहिए? वो भी उससे गुफ्तगू का मौका मिल रहा है जो हमारा ही महबूब नहीं, महबूब खुदा है। महबूब इलाही से गुफ्तगू का मौका मिल रहा है सिर्फ इतनी सी शर्त पर कि सदका दे दो, सदके की मकदार भी मुअय्यन नहीं है, जितना चाहे दे दो, एक दिरहम दे दो, एक दीनार दे दो, एक खुरमा दे दो, कुछ भी दे दो। रिवायत में किसी ने नहीं दिया। मौलाए कायनात के पास एक दीनार था, पहले आप गए उस दीनार को दिरहमों में बदला। देखिए तो क्या हिकमत है। अगर अली नऊज़ुबिल्लाह अली बखील नहीं थे, वो सखी जो रुकू में भी ज़कात दे उसके लिए ये सोचा ही नहीं जा सकता कि दीनार को दिरहम में इसलिए बदला था कि कुछ बचा ले, जिसने कभी कुछ बचाया ही नहीं वो इस मौके पे क्या बचाता। और बात रसूल से गुफ्तगू की थी,
रसूल में और अली में जो बे इंतहा मोहब्बत थी उसका अंदाज़ा है आपको? उसका अंदाज़ा कोई कर ही नहीं सकता। अली और पैगंबर के दरमियान जो मोहब्बत थी उसका अंदाज़ा कोई नहीं कर सकता सिवाय रब कायनात। हालांकि गोद में पले थे मगर फौरन गए दीनार को दिरहम में बदला। अगर एक दीनार दे देते दे और जाकर गुफ्तगू करते और उसके बाद आयत मंसूख हो जाती तो कहने वालों को मौका मिलता कि भाई बहुत थोड़ी सी देर की बात थी, मौका मिलता तो हम भी सदका देकर गुफ्तगू करते, मगर हुक्म ही मंसूख हो गया। अली इब्ने अबी तालिब ने दीनार को दिरहम में बदला और 10 मरतबा पैगंबर के पास गए और आए। एक मरतबा नहीं, 10 मरतबा। अब कोई ना कहे कि बहुत थोड़ा सा वक्फा था। इमाम है इमाम, वली है वली, वली भी कहते हैं तरबियत करने वाले को, सरपरस्त को, हाकिम को, गार्जियन को वली कहते हैं। वली का काम है सिखाना और नादानों को आता ना हो तो करके सिखाना। सिखाने के तरीके होते हैं, कभी आप किसी को बता देते हैं कि ये कर लो, कभी आप करके दिखाते हैं ताकि वो आपको देख कर वैसा ही करे। अली ने एक बार नहीं 10 मरतबा सदका दिया, 10 मरतबा भाई। ये खुद एक मुफसल गुफ्तगु जाती है मगर मैं उस मौके पर सिर्फ अर्ज कर रहा हूँ, पहली बार जब गए तो पूछा या रसूल अल्लाह, देखिए जरा देखिए सवाल करने वाला कौन है, जवाब देने वाला कौन है। कहा या रसूल अल्लाह ये बताइए खुदा से क्या चीज तलब करनी चाहिए। खुदा से क्या चीज तलब करनी चाहिए और उस मौके पर पैगंबर ने फरमाया अली आफियत। अब समझे आप आफियत, खुदा से क्या तलब करें आफियत। वैसे तो हर चीज खुदा से तलब करनी चाहिए मगर खास चीज क्या है, आलिम को भी आफियत चाहिए, जाहिल को भी आफियत चाहिए, सरमायादार को भी आफियत चाहिए, नादार को भी आफियत चाहिए, हाकिम को भी आफियत चाहिए, महकूम को भी आफियत चाहिए, आफियत। इस दुनिया में हम कैसे जिंदगी बसर करें कि हालात ना हो जाएं, जाया ना हो जाएं, बर्बाद ना हो जाएं, आफियत हमारा मुकद्दर ठहरे, बका हमारा नसीब बन जाए। कितना बड़ा मसला है ये, हम गम होना चाहिए या नहीं। जब इस मसले पर गौर करते हैं तो फिक्र और फलसफे के दरवाजे खुल जाते हैं। इंसान सोचता है कि हम यहां हैं क्या, हमारी हैसियत क्या है इस कायनात में, इस दुनिया में हम मजबूर हैं या मुख्तार। ये जबर इख्तियार का उन्वान, जबर इख्तियार का फलसफा बहुत दकीक फलसफा है। हमारे बरादर मुकर्रम जो बहुत अच्छे स्कॉलर भी हैं, इंटेलेक्चुअल भी हैं, जनाब फजल मेकन साहब तशरीफ़ फरमाए मजमे में, वो तवक्को नहीं कर रहे होंगे कि मैं यहाँ फलसफे जबर व इख्तियार की बहस छेड़ूंगा, मगर मैं गुजारिश कर रहा हूँ जबर व इख्तियार का मसला वो है जो हर जहन में पाया जाता है,
सिर्फ फलसफियों के जहन में नहीं पाया जाता। खेत में पसीना बहाने वाला मजदूर भी सोचता है कि हम ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सोचता है यानी। घर में चक्की पीसने वाली खवातीन ये भी सोचती हैं कि हम ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हर जहन में सवाल है। फलसफी तो सिर्फ वो होता है जो अंदर पाए जाने वाले सवालात को उमदगी से बयान कर दे। सवालात सबके जहनों में, तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि हम यहाँ मजबूर हैं या मुख्तार हैं। अल्लाह सुभानहु व तआला का निज़ाम निज़ाम जबर है या निज़ाम इख्तियार है। अगर निज़ाम जबर मान लिया जाए तो हर चीज की जिम्मेदारी खुदा पर है। जो नेकी कर रहा है वो इसलिए नेकी कर रहा है कि खुदा उससे नेकी करवा रहा है। जो बदी कर रहा है वो इसलिए बदी कर रहा है कि नऊज़ु बिल्लाह खुदा उससे बदी करवा रहा है। और जब ये मेयार करार पा जाए तो फिर जजा कैसी, सजा कैसी, जन्नत कैसी, जहन्नम कैसे। और हमारे यहाँ पूरा फलसफा दीन जेर सवाल आ जाएगा। और अगर ये माने कि खुदा ने निजाम इख्तियार कायम किया है तो हम देखते हैं कि कुछ दूर तक तो हम इख्तियार रखते हैं मगर उसके बाद राहें मजदूर हो जाती हैं। पैदा होना हमारे इख्तियार में नहीं है। पैदा होने की तारीख मुकर्रर करना मेरे इख्तियार में था कि मैं फला तारीख पे पैदा हूँ। पैदा होने की जगह का इंतखाब मेरे इख्तियार में था। माँ बाप का इंतखाब मेरे इख्तियार में था। भाइयों का इंतखाब मेरे इख्तियार में था। मरने की तारीख का इख्तियार मेरे हाथ में है। मरने की जगह मेरे इख्तियार में है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं है। कुछ चीजें हमारे इख्तियार में हैं, बहुत सी चीजें हमारे इख्तियार में नहीं है। तवज्जो रहे। और अगर आप मुआजना करें, जाहिर है कि आप वो देहातों में रहने वाले हों या कस्बात में रहने वाले हों या शहरों में रहने वाले हों, जर्नल्स, मैगजीन्स, मजल्ले, रिसाले, अखबार, किताबें पढ़ सकते हों या ना पढ़ सकते हों, आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है माशाल्लाह, कौन सा मसला है जो आवाम को मुब्तला नहीं करते ये लोग। कौन सा मसला है जिसमें मुब्तला नहीं करते। अच्छे खासे सादा लोग इंसानों को ऐसी ऐसी बातें सुनाकर वहशत में गिरफ्तार करते हैं, अजाब फिक्र में मुब्तला कर देते हैं। है? जब ये सिलसिला है तो फिर आपके लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म से उस जहर का दरिया फराहम करने का सिलसिला भी कायम रहना चाहिए। जो दुनियावी मकासिद फिक्र हैं वो मकासिद फिक्र सब जबर के कायल हैं कि हम तो यहां मजबूर हैं, मजबूर महज। जितने मादी मकासिद फिक्र हैं वो इंसान को मजबूर महज बताते हैं। जितने इलाही रहनुमा और हादी हैं वो इंसान को फाइले मुख्तार बताते हैं। और अगर आप हकीकत पे गौर करें तो सबसे ज्यादा उमदगी के साथ इस मसले को हल अगर किया है तो अहले बैत अल्लाह के मकतब ने। मशहूर नजरिया है अमरुन बैन अमरैन, दो इंतहाओं के दरमियान हकीकत है। न हम मुकम्मल तौर पर मुख्तार हैं न मुकम्मल तौर पर मजबूर। लेकिन कहां तक मुख्तार हैं
कहां तक मजबूर और मजबूर है तो क्यों? मसला ये है, अगर हम थोड़े से भी मजबूर हैं तो क्यों मजबूर बनाए गए, है ना? जरा सी मजबूरी भी अगर आयत की गई तो ये मजबूरी क्यों आयत की गई? बस ये सिर्फ आज मैंने मसला बयान किया है आपके सामने कि ये मुश्किल फिक्री है या नहीं है, बहुत बड़ी मुश्किल है। हम कहां तक मुख्तार हैं, कहां तक मजबूर, मजबूर बनाए गए तो क्यों बनाए गए, मुख्तार बनाए गए तो क्यों बनाए गए? अब फलसफियाना बातें तो होती रहेंगी आपसे, मगर इस मसले पर उर्दू के एक शायर के दो मिसरे समाज फरमा लीजिए जिन्होंने नहायत दिलावेजी के साथ इस मजमून को समेटा है। वो कहते हैं कि चला आदम से मैं जबरन तो बोल उठी तकदीर, चला आदम से मैं जबरन तो बोल उठी तकदीर, फला में पढ़ने को कुछ इख्तियार लेता जा। बड़ा दिलावेज शेर है, फलसफियाना शायरी का हक अदा कर दिया है शायर ने इस शेर में। देखिए जो लोग जबान का ज़ौक रखते हैं वो समझ सकते हैं कि शायर ने कितनी हुनरमंदी का सबूत दिया है। फलसफे जबर व इख्तियार से मुतालिक जितने कलीदी अल्फाज हैं वो सब दो मिसरों में मौजूद हैं। आदम, जबर, तकदीर, इख्तियार, बला, बला के मानी मुसीबत के भी हैं, बला के मानी आजमाइश और इम्तिहान के भी हैं। अरबी में बला आजमाइश के लिए भी है, मुसीबत के लिए भी है। इख्तियार दिया गया है आजमाइश में कामयाबी के लिए। भेजा गया है आजमाइश के लिए। चूंकि हम मखलूक हैं इसलिए बहरहाल हमारा वजूद महदूद है, हमारी महदूदियत ही सरहद जबर है। तवज्जो रहे, इसके अलावा कोई जबर नहीं है हक सुभानहू व तआला की तरफ से। बहुत दकीक मसला है, अलाहिदा से कोई जबर नहीं रखा गया, बस वही सरहद है हमारी जो मखलूक होने की हैसियत से हमारी आखिरी हद हो सकती है। वो खालिक है गैर मुतनाही, हम मखलूक हैं मुतनाही हैं। एक हमारा आगाज है एक अंजाम, चूंकि मखलूक हैं, चूंकि हम जमानी हैं, चूंकि हमारी खिलकत टाइम के हिसार में हुई है, चूंकि हमारी खिलकत स्पेस में हुई है, मकान में हुई है, हम महदूद हैं, तो जो महदूदियत है बस वही महदूदियत है। इस महदूदियत को, जमान और मकान की महदूदियत को उसने अपने लुत्फ से मिटाया, बढ़ाया नहीं मिटाया। तवज्जो रहे, हम जमानी हैं मगर हमें ला जमानी बनाने की तदबीरें बताई, हम मकानी हैं मगर हमें ला मकानी बनने की तदबीरें बताई। रब अकबर ने अपने करम से महदूदियतों को मिटाया है, बढ़ाया नहीं है। काश ये पैगाम लेकर आज आप जाए, और सआदतमंद वो है जो इस नुक्ते को समझ ले। हमारी सरहद को इतना बढ़ा दिया अल्लाह ने, इतना बढ़ा दिया कि जो समझा उसने
किस इब्तिहाज के साथ, किस सुरूर के साथ, किस फख्र के साथ, किस इत्मीनान के साथ कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारी हद महदूद नहीं है। अल्लाह महदूद है? नहीं है ना, नहीं है ना। जो अल्लाह से अल्लाह तक होगा वो महदूद कैसे हो सकता है? जो अपने वजूद को इतनी वसअत दे दे कि उसका सफर खुदा से खुदा तक हो, ये जुमला मालूम है किसका है? कुरान मजीद में है ये जुमला, मगर ये जुमला पहले अली ने कहा था, बाद में कुरान में आया। ये तारीख की सच्चाई है और ये एक ही आयत नहीं है जिसे हजरत अली ने पहले कहा हो और बाद में कुरान में आई हो, ये तन्हा आयत नहीं है। अगर गुंजाइश हुई तो मैं अर्ज करूंगा कि और भी आयतें हैं, और भी जुमले हैं कुरान में ऐसे जो पहले खतीब नहजुल बलागा की जबान पर आए और उनकी शान फसाहत और बलागत और उनकी मानवियत की शान ऐसी थी कि हजरत हक को वो जुमले पसंद आ गए और किल के मशीयत ने उन जुमलों को इक्तिबास करके दीवाने वही में शामिल किया। सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, अब अगर इस रिवायत की तस्दीक चाहिए तो मैं तेजी के साथ इस आज की गुफ्तगू में बस दो हवाले दे दूँ। पहला हवाला तो जाहिर रिवायत है, अल्लामा इब्न मरदवह इस्फहानी ने अपनी किताब में फीमा नज़ला मिनल कुरान फी अलीन अलैहिस्सलाम उसमें ये रिवायत लिखी है कि जंगे उहद में जब हजरत हमजा की शहादत की खबर अली को दी गई तो शहादत की खबर जिसने भी दी हो जिस नीयत से भी दी हो, मगर मैदान जंग में खबर देने के मानी ये हैं, हमजा असदुल्लाह कहलाते थे, हमजा भी शेर खुदा कहलाते थे, हमजा रसूल के चचा थे, शबीब चचा, हमजा की शहादत रसूल के लिए बहुत बड़ा सदमा हुई, हमजा की शहादत अली के लिए बहुत बड़े सदमे का सबब थी, कोई और होता तो इस सदमे से उसके कदमों में लर्जा पड़ जाता, लफ्जिश पैदा हो जाती, हिम्मत और हौसला खत्म हो जाता, मगर जैसे ही सुना अली ने हमजा शहीद हो गए का इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम तो खुदा ही के हैं और उसी की तरफ जा रहे हैं, ज़ईफ़ रिवायत नकल कर रहा हूँ, ना रिवायत ज़ईफ़ है ना इसमें गुलू है। रिवायत की सेहत का मेयार दुनिया वालों ने जो भी मुकर्रर किया हो, खुद रसूल खुदा भी एक मेयार मुकर्रर करके गए हैं। रसूल खुदा ने फरमाया जब भी कोई बात तुम तक पहुंचे उसे कुरान से मुताबिक करके देखो,
सच्ची होगी, कुरान के मुताबिक ना होगी तो फिर वो झूठी होगी। आप देखिए कुरान मजीद ने ये जुमला ये कहकर नकल किया है या नहीं कि ये जुमला मेरा नहीं किसी और का है। आयत पढ़ लीजिए, وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا اے رسول بشارت دے دیجئے ان مومنوں کو ان اولو العزم مومنوں کو کہ جن پر جب مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ علی کے جملے نہ پڑھیں، جو علی کے جملے نہ سنیں، جو نہج البلاغہ کا مطالعہ نہ کریں، عیب ہے، عیب ہے۔ یہ جملہ مولا نے فرمایا ہے، یہ جملہ جو فرمایا ہے کیا شان ہے اس جملے کی، خدا کی قسم اس میں جو لطافتیں اور جو فضائل کے پہلو ہیں وہ آج بیان کا حق ادا نہیں ہو پائے گا، کیونکہ وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے اور گفتگو ابھی صرف تمہید کے مرحلے میں، گفتگو صرف تمہید کے مرحلے میں، لیکن جو دقیق گفتگو ہے، جو نقطہ آپ تک منتقل کرنا ہے، اس کے لیے یہ ضروری مقدمات ہیں۔ یہ تمہید صرف اس لیے نہیں ہے، تمہید برائے تمہید نہیں ہے، مسئلے کو جہاں تک پہنچانا ہے بات تقریباً وہاں سے قریب آ چکی ہے۔ علی مخلوق ہے، خالق نہیں ہے۔ علی عبد ہیں، معبود نہیں ہیں۔ علی مربوب ہیں، رب نہیں ہیں۔ علی ذات حق سمجھی کی طرف حق نمائی کرتے ہیں۔ علی وہ بندہ ہے جو، وہ عبد ہے جو معبود نما ہے۔ عربی کے کسی قصیدہ نگار نے کہا ہے، جو کیفیت اس کے مطلعے میں ہے وہ میں کسی صورت سے ترجمے میں ادا نہیں کر سکتا، مگر بے اختیار وہ مطلع یاد آ رہا ہے، ہا علی بشر کیف بشر ربہ فیہ تجلی و بہر۔ دیکھو تو صحیح، عقل بشری سوچے تو صحیح، نگاہ انسانی دیکھے تو صحیح، یہ علی بشر ہے مگر کیسا بشر، ربہ فیہ تجلی و بہر۔ یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ بشر ہے جس کے اندر رب نے تجلی کی ہے، رب نے ظہور کیا۔ سمجھیں علی کی ذات ایسی ہے، علی کا کلام ایسا ہے۔ ملت اسلامیہ غافل ہے علی کے نہج البلاغہ سے، نہج البلاغہ سے غافل ہے۔ علی کا ایک جملہ اتنا قیمتی ہے کہ قرآن کا حصہ بنا دیا اللہ نے۔ اب تو نہج البلاغہ پڑھیے اٹھا کر، مجھے حیرت ہے مسلمان دانشور علم حاصل کرتے ہیں، ارسطو کو پڑھیں گے، سقراط کو پڑھیں گے، افلاطون کو پڑھیں گے،
अफलातून को पढ़ेंगे एडम स्मिथ को पढ़ लेंगे, गोएटे को पढ़ लेंगे, शेक्सपियर को पढ़ लेंगे, सबको पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो आइए क्या जौक है, क्या जौक है, पढ़िए तो सही। जो चीज खिलाफ कुरान हो उसे रद्द कर दीजिएगा, पूरा इख्तियार है। दस्ते अदब जोड़ के अर्ज कर रहा हूँ, नहजुल बलागा पढ़िए, जो चीज खिलाफ कुरान हो रद्द कर दीजिएगा, मगर मैं एक वादा कर रहा हूँ, अगर नहजुल बलागा में एक जुमला भी खिलाफ कुरान दिखा दिया तो मैं मजहब बदल दूंगा। नहजुल बलागा में एक जुमला भी आप खिलाफ कुरान नहीं तलाश कर सकते, बल्कि इसके बरक्स है। कुरान मजीद के जो मकामात अब तक समझ में नहीं आए हैं, नहजुल बलागा पढ़िए तो समझ में आते चले जाएंगे। नहजुल बलागा आवाज आ गई। गुफ्तगू का दामन समेट लेता हूँ। कुरान मजीद अगर समझ में नहीं आया है तो नहजुल बलागा पढ़िए, कलाम मासूमीन को पढ़िए, हदीस पैगंबर समझ में नहीं आई है तो हदीस अहले बैत के पैगंबर पढ़िए। यही रास्ता है। बार बार मैं सिर्फ अर्ज ये कर रहा था कि खुद इस जुमले में इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन,
लफ्जी बलागत और हुस्न, मानवी हुस्न और बलागत बेपनाह। भाई अगर ये इस तरह से रहा तो फिर गुफ्तगू नहीं हो पाएगी। एक और बुलंदर सलावत पढ़ लीजिए। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये जुमला उस अजीम शान सफ़र का मुख्तसर तरीन बयान है कि हमारा सफ़र तो खुदा से खुदा तक है। हम खुदा के हैं और खुदा ही की तरफ जा रहे हैं, उसी की तरफ जा रहे हैं, जाने वाले हैं नहीं। हम उसी के हैं और उसी की तरफ जा रहे हैं। ये जुमला याद रखिएगा, कल इस पे बाकी गुफ्तगू होगी। आज सिर्फ यह अर्ज कर रहा हूँ कि इंसान महदूद है ना, इंसान ज़मानी एतबार से, मकानी एतबार से, वजूदी एतबार से, मादी एतबार से महदूद है, बहुत महदूद है, हकीर है। अली ने कितना वसी कर दिया, कितना वसी कर दिया। और अब यहाँ से मैंने क्या अर्ज किया था कि हमारी मजबूरियाँ जो हम एहसास जबर करते हैं वो दरअसल वो महदूदियतें हैं, वो हदें हैं, वो सरहदें हैं, जो वजूदी महदूदियतें हैं, जो कि हम मखलूक हैं, जो कि हम मखलूक हैं इसलिए महदूद हैं। जो महदूदियत है वही एहसास जबर पैदा करती है, लेकिन उस महदूदियत के अंदर रब अकबर ने वो नुस्खे कीमिया सिखा दिया है कि इंसान उन हुदूद को गिरा कर अपने वजूद को लामुतनाही और लाजवाब बना सकता है। मगर ये सिर्फ तभी मुमकिन होगा, कोई भी काम इंसान करे, आप इकोनॉमिकल सिस्टम अपना दुरुस्त करते हैं तो किसी इकोनॉमिस्ट की रोशनी में, आप मेडिकल सिस्टम दुरुस्त करते हैं तो किसी मेडिकल साइंटिस्ट की रोशनी में, आप अपनी महदूदियतों को मिटाकर अगर अपने आप को लाजवाब बनाना चाहते हैं तो चारा नहीं है कि अली का रास्ता इख्तियार करें, वरना कोई और बताए जिसने कहा हो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई और हो तो बताएं, कोई नहीं, रास्ता यही है, राहनुमा यही है, इनके रास्ते पर चलना है। मुसलमान को, इंसान को, बशर को इनके रास्ते पर चलकर यहाँ की मजबूरियों को शिकस्त देना है, अपने इख्तियार का दामन बढ़ाना है। क्यों इनका रास्ता, ये आब्द हैं, और किस शान का आब्द है अली, अल्लाह अकबर, किस शान का आब्द है जो रसूल के मुकाबले में भी कहता है कि मैं तो अल्लाह के रसूल के गुलामों में से एक गुलाम हूं। शान बंदगी तो देखें, दोनों में निस्बत देखें, इसे देखें हिफ्ज़े मरातिब, वो कहते हैं ये मेरी जान है, ये कहते हैं मैं उनका गुलाम हूं। हिफ्ज़े मरातिब देखें, हिफ्ज़े मरातिब देखें, ये कहते हैं मैं तो उनका गुलाम हूं। ये जिसके गुलाम हैं उसकी जिंदगी का एक वाकया सिर्फ इशारा कर रहा हूं ताकि मसले को उसके तमाम शवाहिद के साथ उस मंजिल तक ले आऊं कि मसला हल हो जाए। ये जो गुलामी का दावा किया जा रहा है, ऐलान किया जा रहा है, किसके गुलाम है, मुस्तफा के। कौन मुस्तफा?
मुस्तफा भी मखलूक है मगर मुस्तफा की जिंदगी में एक शबे मेराज ये बताने के लिए काफी है कि कैसे महदूद ना महदूद बन जाता है। सलावात पढ़ते मोहम्मद वाले अजीब व गरीब मरहले तक गुफ्तगू ला रहा हूँ आमदन इसलिए कि आप में से कोई भी फर्द जितना भी कमज़ोर हो नातवां हो अगर कुरान की रोशनी में हकीकत ज़िंदगी पा जाए वो रम्ज पा जाए जो रम्ज मोहम्मद और आले मोहम्मद के अलावा किसी से नहीं मिल सकता जिस रम्ज के लिए इकबाल ने कहा रम्ज कुरान अज हुसैन आमोख्ती हमने तो कुरान का राज हुसैन से सीखा है। कौन सा राज सीखा है? इस तरह जीने का राज के महदूद को लामहदूद बना दिया जाए मजबूरियों को इख्तियार से बदल दिया जाए। बहुत दकीक बहस है जब दो इख्तियार की बहस बहुत दकीक बहस है आसान नहीं है मुश्किल है मगर मैं अर्ज कर चुका हूँ आपके लिए मुश्किल नहीं है आपके लिए ना इल्मी लिहाज से मुश्किल है ना अमली लिहाज से मुश्किल है। सलाए आम है याराने नुक्तदा के लिए आपके लिए ना इल्मी मुश्किल है ना अमली उनके लिए मुश्किल है ना जिनके पास मुश्किल कुशा नहीं है। उनके लिए है मुश्किल आपके लिए मुश्किल नहीं है इसलिए कि आपके पास जो मुश्किल कुशा है वो भी मालूम है कौन मुश्किल कुशा है वो सिर्फ थ्योरिटिशियन नहीं है नजरिया साज नहीं है वो इल्म अमल का मुजस्समा है। जितना इल्म है अली के पास उतना ही अमल है अली के पास। अगर ना महदूद बनना चाहता है तो उसका राज सिर्फ कुरान में है और उस राज को अगर खोल सकता है कोई तो वो सिर्फ या मोहम्मद या अली या आले अली खोल सकते हैं। इसलिए कहा है इकबाल ने रम्ज कुरान अज हुसैन मार्क्सिज्म ये सिखाता रहा है कि इंसान मजबूर महज है हालात के दबाव में इंसान जो कुछ करता है है ना। एक जुमले में मार्क्सिज्म का काम तमाम करूं कल कैपिटलिज्म का काम तमाम करूं मार्क्सिज्म उसकी थ्योरी यह है कि इंसान मादी हालात का ही जाहिदा होता है जैसे हालात होंगे वैसा इंसान होगा जैसा बाजार होगा वैसी हमारी सोच होगी जैसा बाजार होगा वैसा हमारा अदब होगा जैसा बाजार होगा वैसी हमारी शायरी होगी मैं जानबूझ के बाजार का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ जैसा बाजार होगा वैसी हमारी ज़िंदगी होगी वैसी हमारी सोच होगी वैसी हमारी शायरी होगी वैसे हमारा अदब होगा वैसा हमारा फ़लसफ़ा होगा ये कार्ल मार्क्स का कहना है और वैसा हमारा एक्शन होगा। इस फलसफे को नजरियाती एतबार से भी और अमली एतबार से भी सिर्फ एक नाम काफी है रद्द करने के लिए और वो नाम है हुसैन इब्न अली। लोग कहते हैं कि मिंबर से पैगाम नहीं मिलता कोई भी खतीब आए कुछ भी पढ़े नाम है हुसैन तन्हा मुकम्मल पैगाम हुसैन को आप समझते हैं दुनिया का मजलूम तरीन इंसान है
हुसैन दुनिया का वो शुजा तरीन इंसान है जिसका नाम सुनते ही वक्त अपने दौर का हर फिरौन लरसने लगा। हुसैन मजलूम तरीन इंसान नहीं, शुजा तरीन इंसान, किसी भी दौर का फिरौन हो, किसी भी दौर का यजीद हो, हुसैन का नाम सुनते ही लरसने लगता। हुसैन तन्हा जवाब है मार्क्सिज्म का। मादी हालात क्या थे, फुकहा बिक गए, मुज्तहिदीन बिक गए, उलमा बिक गए, मुहद्दिसीन बिक गए। कैसे हालात थे मादी, क्या जबर हाल, जबर तारीख, जबर तारीख का आलम क्या था उस वक्त। अगर इंसान अपने हालात ही का जाहिदा होता है तो हुसैन कोई पैदा ही नहीं हो सकता। हुसैन का पैदा होना बताता है, हुसैन का कयाम बताता है, हुसैन का जिहाद बताता है, हुसैन का इंकलाब बताता है कि मादी हालात हकीकत नहीं रखते। इंसान मादी हालात का जाहिदा नहीं, इंसान मादी हालात का मजहर नहीं, इंसान चाहे तो खुदा का मजहर बन सकता है। इंसान मजहर हक बन सकता है, इंसान मजहर खुदा बन सकता है, इंसान मजहर इलाही बन सकता है। इंसान इंसान जब आम इंसान अगर इल्म और तक्वा और अदालत की राह इख्तियार कर ले तो उसमें कमाल मजहरियत पैदा हो जाता है। तो जो पैकरे इल्म हो वो मजहर हक नहीं होगा, वो भी मजहर हक होगा। वो ऐसा मजहर हक होगा कि जैसा हम जानते हैं, और जो कुछ हम जानते हैं गोया कुछ भी नहीं जानते। हक ये है कि इनको हक ही जानता है। हक ये है कि इनको हक ही जानता है। हम तो बस मानते हैं, हम तो मानते हैं, जानते क्या है। यही सआदत है कि हम मानते हैं। हमारी नजात का सरमाया यही है कि हम उन्हें मानते हैं जिन्हें खुदा मानता है। हम उन्हें मानते हैं जिन्हें खुदा मानता है। बस मुझे अफसोस है, तकरीर के शुरू में भी कुछ ऐसी कैफियत हुई और फिर दरमियान में भी ऐसी हुई कि गुफ्तगू आज मैं तमहीद से आगे नहीं बढ़ा सका। लेकिन इस तमहीद में भी जो कुछ मैंने अर्ज किया है वो समझिए कि लुब मतलब तक पहुंच गए हैं आप। इस कायनात में, इस मादी कायनात में, इस जमानो मकान के अंदर, इस खाकनाए दहर में हम हैं बज़ाहिर मजबूर, मगर हमारे अंदर वो सलाहियतें दी गई हैं कि अगर हम उन सलाहियतों से काम लें तो हमारे इख्तियार का दायरा बहुत वसी हो सकता है। हम सरहदों को गिरा सकते हैं, बल्कि जुमला ये कहूँ कि हम हदों को गिरा सकते हैं, सरहदों को बढ़ा सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, खुदा से खुदा। अगर हम अपनी जिंदगी का साज और आहंग बना लें, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम तो खुदा के हैं और उसी की तरफ जा रहे हैं। इसमें तर्जमे की जितनी जिहात हो सकती हैं उस पर कल गुफ्तगू होगी, मगर आज बस इतनी ही बात। कुरान मौजज़ा है, इसके मौजज़ा होने का आप खुद तजर्बा करें, तिलावत करें, और फिर इससे रंग से कुरान हासिल करना हो तो अहले बैत तक पहुँचें, रसूल तक पहुँचें, अली तक पहुँचें, हसन हुसैन तक पहुँचें। देखें कि इन्होंने किस तरीके से ज़िंदगी गुजारी, देखें इन्होंने दुनिया के सामने मजबूर होने का सबूत दिया
या बंदे हक होते हुए मुख्तार होने का सुरू दिया। मजबूर होते तो बयात कर लेते, मुख्तार थे बयात नहीं की। तो बयात न करने के नतीजे में इख्तियार की हदें कितनी बढ़ गई। आम महदूदियत यह है कि इंसान जब तक सर और गर्दन में रिश्ता कायम रहता है बोलता है, देखो हदें टूटी सरहदें पढ़ी तो कटा हुआ सर बोलता हुआ नजर आया। ये कोई ज़ईफ़ रिवायत थोड़ी है, ये कोई कमजोर रिवायत थोड़ी है, तारीख में है, सिर्फ मकातिल में नहीं है। बस सर मुबारक हुसैन नो के नज़ा पे तिलावत कुरान कर रहा था। ये तिलावत कुरान इख्तियार हुसैनी का सबूत है। इख्तियार इंसान इस खाकनाए दहर की हदों को तोड़ कर इंसान जमानी है लाजमानी बन सकता है, इंसान मकानी है लामकानी बन सकता है, और उसके लाजमानी और लामकानी होने की पहचान ये है कि रूह जो मुजर्रद है, रूह जो एब्स्ट्रैक्ट रियलिटी है, वो इस खाकनाए दहर में इस दुनिया में अपने आसार जाहिर करती है तो बदन के वसीले से। रूह बोलती है, जबान नहीं बोलती है, मगर जबान वासिता बनती है। आंखें नहीं देखती, रूह देखती है, मगर आंखें वास्ता बनती है। कान नहीं सुनते, रूह सुनती है, मगर कान वास्ता बनते हैं, जरिया बनते हैं। दस्तो बाजू महसूस करते हैं, मगर महसूस रूह करती है, दस्तो बाजू जरिया बनते हैं। ये इस मादी दुनिया की मजबूरी है, लेकिन जब इख्तियार हासिल होता है तो फिर रूह बराह रास्त देखती है, बराह रास्त बोलती है। निजाम जिस्म बरकरार नहीं रहता, किस हद तक बरकरार नहीं रहता, मुसलसल ये जुमला कह रहा हूँ, मुसलसल कह रहा हूँ, इसलिए कि ये वो वाक़ियात हैं जिसमें किसी को भी हकीमाना राजों से पर्दे उठाती है। और यकीनन ये वो मकामात हैं कि जहाँ पर इंसान आंसू बहाता है, मगर इसमें भी फ़ज़ाइल पोशीदा हैं, दर्स भी है, हकायक भी हैं, मसाइल भी हैं। इमाम हुसैन के सर मुबारक ने जिस मौके पे तिलावत की है वो मौका बताता है कि हुसैन सिर्फ बोल ही नहीं रहे थे, सुन भी रहे थे। दो तरह से रिवायतें आई हैं। एक मकाम ये है कि सर मुबारक हुसैन ने तिलावत की, हम हसब तन्ना असहाबल कहफ वर रकीम कानू मिन आयातिना अजबा, क्या तुमने ये समझ रखा है कि असहाब कहफ वर रकीम हमारी निशानियों में से बहुत अजीम और अजीब निशानी थे। और एक सहाबी रसूल ने फरजंद रसूल की ज़बान से ये जुमला सुन के कहा कि ए फरजंद रसूल, आपका कत्ल किया जाना और आपके सर का नोके नैजा पर बुलंद किया जाना असहाब कहफ से ज़्यादा बड़ी निशानी है। लेकिन दूसरी रिवायत इसके बिल्कुल बराबर है। दूसरी रिवायत ये है कि सर मुबारक हुसैन गुजर रहा था और एक सहाबी रसूल कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था, जब वो इस आयत पर पहुंचा
ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا, क्या तुमने ये समझ रखा है कि اصحاب الكهف والرقيم हमारी निशानियों में से अजीब निशानी थे, अजीम निशानी थे. तो सर मुबारक हुसैन ने कहा इन कतली व हमली अजब मिन اصحاب الكهف والرقيم, मेरा कत्ल किया जाना और मेरे सर का नोके नेजा पर बुलंद किया जाना اصحاب الكهف से ज्यादा बड़ी निशानी है. ये रिवायत बताती है कि हुसैन सुन भी रहे थे बोल रहे, और यही नहीं कि हुसैन सुन रहे थे और बोल रहे थे बस. अब एक रिवायत गुजारिश करके गुफ्तगू को तमाम कर रहा हूँ. आज सफ़र की तारीखें हैं, सफ़र की मुनासिबत से ख़ास तौर से ये तारीखें वो हैं, पाँचवीं तारीख है गालिबन आज सफ़र की. आज काफिले हुसैनी शाम में है. बाज रिवायतों में ये है कि इमाम हुसैन का लुटा हुआ काफिला, इमाम हुसैन का लुटा हुआ काफिला यानी सैयद सज्जाद का लुटा हुआ काफिला, यानी जैनब का लुटा हुआ काफिला, यानी वो काफिला जिसमें जैनब रसन बस्ता और सर बरगना थी, यानी वो काफिला जिसमें सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ियाँ थीं, पाँव में बेड़ियाँ थीं, गले में तौफ था, वो काफिला शाम में दाखिल हो चुका है. शाम में दाखिले का मंजर सुनेंगे आप, शाम में दाखिले का मंजर अरबाब मकातिल लिखते हैं कि शाम के बाजार को ख़ास तौर पर सजाया गया था, तमाशबीनों को बुलाया गया था और बाजार की कद आदम आईना बंदी की गई थी. आईना बंदी इसलिए की गई थी कि जो करीब होंगे वो बराह रास्त बीवियों के खुले हुए चेहरे देखेंगे, जो दूर फासले पर होंगे वो आईनों में देखेंगे. जब अहले बैत का ये लुटा हुआ काफिला जा रहा था तो बाज मकामात पर ये इहतमाम किया गया था कि पहचानवाया जाता था, देखो ये ज़ैनब बिन्त अली है, देखो ये सकीना बिन्तुल हुसैन है. बाजार सजाए गए थे, दरो दीवार सजाए गए थे, अजियत देने के नित नए तरीके निकाले गए थे, जुल्म नए से नए जुल्म ईजाद किए जा रहे थे, और करबला से कूफे और कूफे से शाम तक जाने वाली बीबी साबिरा बीबी शुजा बीबी. लेकिन कहते हैं कि जब एक मरहला ये आया कि दरबारे यजीद में दाखिले की मंजिल आई है, तो बीबी ने कहा नहीं, मैं इस हालत में खुले हुए सर के साथ बेमखनाओ रैदा दरबार में नहीं जाऊंगी, इनसे कहो कुछ तो लिहाज करें, कुछ तो हया करें, कुछ तो इन्हें शर्मानी चाहिए, हम इनके रसूल की इज्जत हैं. सैयद सज्जाद इनसे कहो हमारे लिए चादरों का इंतजाम कर दें. बादशाह रसूल भी वहाँ पर आए हैं, रिवायतें हैं, उन्होंने कोशिशें की, कोशिशें नाकाम हुई. अरबाब मकातिल कहते हैं जब कोशिशें नाकाम हो गई तो एक मतलब बीबी जैनब को जला लाया और बीबी ने फरमाया के बहनों में कुलसूम ए रबाब ए सकीना ए रुकैया, अब मैं बददुआ करती हूँ तुम अमीन का. जनाब सैयद सज्जाद ने ये जुमला जैसे ही सुना, जैसे ही सुना आगे बढ़े हथकड़ियाँ संभाले हुए. फूफी अम्मा आप पढ़ी हैं कि उसे मरातिम से मैं वाकिफ हूँ, मैं कुछ नहीं कहना चाहता मगर जरा बाबा के सरे मुबारक को तो देखो. अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह. हुसैन कितना बाइख्तियार है, हुसैन मजबूर नहीं है, क्योंकि ये मकाम इम्तिहान है और हुसैन अपने इख्तियार के साथ इम्तिहान दे रहे हैं. मजबूरी
मजबूरी के साथ इम्तिहान नहीं दे रहे हैं। इमाम हुसैन का इख्तियार ये, वहाँ भी ज़ैनब को पैगाम दे रहे हैं, मगर किस तरीके से? जब सैयद सज्जाद ने कहा कि ज़रा बाबा के रूह अनवर को तो देखिए, बीबी ने निगाह उठा के देखी, हुसैन के आंखों से आंसू रवा थे। एक मरतबा बीबी ने कहा, भैया मैं समझ गई, अगर इम्तिहान में कामयाबी यही है कि हमें ये कुर्बानी भी देनी पड़े, भैया अगर तुम्हारी रजा है रिदा में दरबार में दाखिल हो जाऊं। बस एक जुमला कहकर गुफ्तगू तमाम कर रहा हूं, बीबी दरबार में दाखिल हो गई, तन्हा नहीं सैयद सज्जाद भी दाखिल हुए, तमाम बीबियां आशीरों का काफिला पहुंचा। और एक जुमला सुनेंगे, एक तारीखी हकीकत, करबला में जो असहाब हुसैन थे, असहाब हुसैन अंसार हुसैन जो करबला में शहीद हुए थे, उन असहाब अंसार के अहले हराम, उनकी बीबियां, उनके घर की खवातीन, वो भी करबला से असीर होकर कूफे तक आई थी, मगर कूफे में उनको छुड़ाने के लिए, उनको आजाद कराने के लिए खिलकत आ गई, आले रसूल को आजाद कराने के लिए कोई ना आया। अब जो दरबार यजीद में आए हैं वो सिर्फ इजरत रसूल, आले रसूल, और इजरत रसूल ने मंजर क्या देखा, जैनब अपना गम भूल गई, सज्जाद अपना गम भूल गए, जब देखा हाकिम तख्ते इख्तदार पर है और सर मुबारक फरजंद रसूल कश्ते तिला में रखा हुआ है, हाकिम के हाथ में एक छड़ी है और लबो दंदाने हुसैन से बेअदबी हो रही है। एक मर्तबा एक सहाबी रसूल उठा और उसने कहा, ओ यजीद ये बेअदबी न कर, मैंने अपनी आंखों से देखा है रसूल इन लबों को बोसा दिया। तमाम मोमिनों मोमिनात की हाजतों को अल्लाह